नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बात मेडिसिन स्क्वायर में प्रधानमंत्री के सपनों के भारत की। मोदी ने अपने सपनों के भारत में जहां गरीबी खत्म करने की बात कही, वहीं शौचालय, स्वच्छता और गंगा की सफाई को इसके लिए अहम बताया। मोदी मोदी की गूंज के बीच मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत वंशियों के बीच अपने सपनों के भारत की झलक दिखलाई। यह ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भाग्य बदलने वाली है। मोदी के सपनों के भारत में गांधी का मंत्र था, देश के गरीब से गरीब लोगों के उद्धार का संकल्प था, देश से बेरोजगारी दूर करने को लेकर सटीक दृष्टि थी। बदलेगा भारत 2022 तक सबको घर। भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे। वो बदलाव चाहता है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो, तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा ना हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। मेडिसिन स्क्वायर में मोदी 2022 के भारत की छवि पेश कर रहे थे। स्वच्छ भारत की बात करते मोदी ने अपने सपनों के भारत को महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत से जोड़ा और साकार करने का वादा किया। स्वच्छ भारत का निर्माण, क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान के चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जाहिर है, इसके लिए मोदी ने सबसे पहले पूरे देश में टॉयलेट बनाने की बात कही। कमी नहीं रखे। पूरे देश में शौचालय, इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया, सफाई का अभियान। लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। लेकिन आप वही गंगा की सफाई को प्रधानमंत्री ने पर्यावरण से तो जोड़ा ही, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े होने की बात कहना भी भारत वंशियों के बीच भूले नहीं। मोदी ने गंगा सफाई पर अब तक हो चुके करोड़ों रुपए खर्च की बात भी कही। देश के 40% लोगों की आर्थिक गतिविधियों को गंगा से जोड़ते हुए इसके सफाई के महत्व को भी बताया। गंगा की सफाई, मेरी 125 करोड़ देशवासियों की गंगा के प्रति जो आस्था है, उस आस्था में मेरी भी आस्था है। और गंगा की सफाई ये सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ विषय तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के जितनी चिंता होती है, पर्यावरण को लेकर के जितनी चिंता होती है, उस दृष्टि से भी गंगा की सफाई आवश्यक है। मेडिसिन स्क्वायर में 20,000 लोगों के बीच करीब 90 मिनट तक मोदी ने अपने सपनों के भारत की बात की और इस नए भारत के निर्माण में भारत वंशियों से उनके योगदान की अपील की। सिर न झुकने देने का वादा, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये वादा भी किया कि कभी उनका सिर झुकने नहीं देंगे। हमारे देशवासियों के राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क आज तक। मोदी में हो गया न्यूयॉर्क का मेडिसिन स्क्वायर। शानदार स्वागत के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी बातों से हर किसी का दिल जीता। जी हां, पीएम मोदी की हर बात पर तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। पीला कुर्ता और केसरिया नेहरू जैकेट पहने मोदी ने अमेरिका में हजारों भारतीयों का दिल जीत लिया। 18,000 लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी के दिलकश अंदाज़े बयां पर मंत्रमुग्ध थी।
की। भारत माता की जय घोष के साथ शुरू हुए और एक घंटे से ज्यादा समय तक चले संबोधन में मोदी जमकर बोले, भारत की इज्जत को बढ़ाया है, भारत सांपों का देश कहे जाने वाले हिंदुस्तान में आज कंप्यूटर के माउस की चलती है। विकास के रथ पर सवार मोदी ने जब इसका जिक्र किया तो पूरा मेडिसन स्क्वायर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। भीड़ उत्सुक थी और प्रधानमंत्री गदगद। 14 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री ने राज साझा करते हुए कहा, कमान संभालने के बाद 15 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली। 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया। है 18,000 लोग मंत्रमुग्ध होकर पीएम को सुन रहे थे। बीच बीच में मोदी मोदी के नारे से सारा मेडिसन स्क्वायर गूंज उठता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखे। चुनाव में भारी बहुमत के साथ बाजी मारने वाले प्रधानमंत्री ने राजनीतिक पंडितों के जनादेश को न भांप पाने पर चुटकी ली। हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पंडित के गले ये परिणाम नहीं उतरते थे। हिंदुस्तान के गांव, गरीब, अनपढ़ लोगों ने ओपिनियन मेकर का ओपिनियन बना दिया। मोदी न्यूयॉर्क के इस चौराहे पर भारत की शक्ति को एक धागे में गूंथ रहे थे, तभी भीड़ से गॉड ब्लेस यू की आवाज आई। मोदी ने पीछे मुड़कर देखा और जवाब दिया, जब 125 करोड़ देशवासियों ने आशीर्वाद दे दिया तो वो ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। मोदी मार्स मिशन की सफलता पर गदगद थे। कहा, सिर्फ 7 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्च पर लाल ग्रह को जीता गया है। हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर। बदलाव के रथ पर सवार प्रधानमंत्री देश को कानूनों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। मोदी ने लक्ष्य साझा करते हुए कम कानूनों की वकालत की। मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार हैं, सबको खत्म करने का शुरू किया। गंगा को इस देश में माँ का दर्जा मिला है। हिंदुस्तानी कहीं भी रहे वो आस्था की इस नदी से गहरा लगाव रखता है। प्रधानमंत्री ने गंगा सफाई को हकीकत में बदलने का इरादा रखा। तालियों की गड़गड़ाहट ने समर्थन की घोषणा कर दी। गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा सफाई में सारे देशवासियों ने मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? प्रधानमंत्री करीब 70 मिनट तक बोलते रहे। मंत्रमुग्ध जनता उन्हें सुनती रही। मोदी ने घड़ी देखी और कहा, और मैं भी बोलता ही चला जा रहा हूँ घड़ी की ओर। राहुल कंवल और गौरव सावंत के साथ राजदीप सरदेसाई, न्यूयॉर्क आज तक। मेडिसन स्क्वायर में अपने भाषण से प्रधानमंत्री ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया। मोदी के मुरीद सिर्फ भारतीय ही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद अमेरिकन सांसद भी बन गए।
बढ़ाया है, हम माउस के साथ खेल रहे हैं। मेडिसिन स्क्वायर में छा गए मोदी। यही मेरा संबल है, यही मेरी ताकत है, इसी पर मेरा भरोसा है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करने की पूरी संभावना। बास्केटबॉल के इस इंडोर स्टेडियम में ऐसी महफिल सजी कि मोदी की हर बात पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। और सबके बीच देश की बेहतरी की बात सुनकर कईयों के उद्गार आंखों में झलकने लगे। ये इवेंट जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण निकला। दिस इवेंट इज ऑसम। अभी भी जब हम देख रहे हैं इट्स जस्ट अमेजिंग। जब वो स्पीच दे रहे थे देयर वर टीयर्स इन माय आईज। आई वाज वेरी इमोशनली टच्ड बाय एवरी वर्ड दैट ही वाज सेइंग। आई कुड कनेक्ट टू हिम एज माय लीडर। वैसे सिर्फ अनुष्का जोशी ही नहीं, उनके साथ न्यू जर्सी से आए ये दंपति भी प्रधानमंत्री के मुरीद हो गए। ने तो रूंटे खड़े हो गए जिस तरह से उन्होंने युवा को छुआ है। और क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट, एक भी एक बात आप देख लो, हर एक चीज में उन्होंने आज सबके दिल को जीत लिया है, इंक्लूडिंग अमेरिकन्स, इंक्लूडिंग इंडियंस। मेरे बच्चों के लिए जो यहाँ के सिटीजन हैं उनके लिए बहुत मायना रखता है, बिकॉज इट रिमूव लॉट ऑफ इश्यूज डायरेक्टली। एंड आई हैव हर्ड कंप्लेंट्स फ्रॉम मेनी 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 पीपल हियर सेइंग दैट दे हैव अ tough time getting visas to go into India, especially those who are married to foreigners. वैसे मेडिसिन स्क्वायर में मोदी का जादू सिर्फ भारत वंशियों पर ही नहीं चला। मोदी के मुरीद होने से अमेरिकी सांसद भी नहीं बचे। No foreign leader comes to the United States of America on a Sunday afternoon in New York City and has 30 members of Congress from all over the country fly here to meet him on Sunday. इस कार्यक्रम की तैयारी तो हफ्तों से हो रही थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेडिसिन स्क्वायर इस तरह मोदीमय हो जाएगा। राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक।